जय श्री महाकाल। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल इंदु इंदौरी में आपका। तो मैंने आपके साथ काफ़ी सारी रेसिपी शेयर करी हैं, नॉर्मल जो घर में बनती हैं सभी के, वो भी उस टाइप की भी रेसिपी शेयर करी है आपके साथ। वेट लॉस जर्नी जो मेरी थी उससे रिलेटेड जो भी मैंने खाया पिया वो आपके साथ सब शेयर ही किया है ऑलमोस्ट। आगे भी मैं करती रहूँगी, पर मेरे काफ़ी सारे दोस्तों का मुझे कॉल करके मैसेज करके बोला कि रेसिपी वगैरह तो ठीक है, अगर तुम अपनी डेली रूटीन लाइफ डालो, ब्लॉगिंग करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे हम तुम्हें देख पाएंगे कि तुम कैसे फिट रहती हो, क्या करती हो, क्या नहीं करती हो। खाना वगैरह तो ठीक है, तुमने खाना वाना तो दिखा दिया। मैं बोली हाँ क्यों नहीं। तो फिर मैंने भी बहुत कुछ सोचा। तो आप बताइए, मुझे ब्लॉगिंग करना चाहिए, आप देखना चाहते हैं या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी शाम के हो रहे हैं 5:30, तो 5:30 हो रहे हैं। तो अभी हो गए, आप सोच रहे होंगे मेरे बाल गीले क्यों हैं अभी तक। तो मैं अभी मैंने हेयर वॉश किया। एक्चुअली नहा तो मैं सुबह ही ली थी, पर मैंने हेयर वॉश में ऐसे ज़्यादा ऑयलिंग करके रखी थी, तो मैंने सोचा कुछ टाइम रहने देती हूँ मैं, उसके बाद शाम को धो लूँगी। तो हो गई है शाम, तो अब थोड़ी पूजा वगैरह कर लेती हूँ। और आने वाले जितने भी अभी कई लोग रामनवमी बोलते हैं, कई लोग नवरात्रे बोलते हैं, तो ये जो 9 दिन का टाइम होता है उसमें मैं आपके साथ सारी रेसिपी मैं शेयर करूँगी, अपनी पूरा रूटीन शेयर करने वाली हूँ आने वाले ब्लॉग्स में। तो उसमें मेरे ब्लॉग में रेसिपीज़ वगैरह, मैं ट्रैवल कहाँ कहाँ करती हूँ, कहाँ कहाँ जाती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरे आने वाले वीडियोज़ में और आने वाले ब्लॉग में भी। तो हो गए हैं 5:30, तो ज़्यादा बकबक ना करते हुए चलिए। मेरे तो हमेशा यही ट्यून रहती है कि हाँ बकबक बकबक मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं बहुत ज़्यादा बकबक करती हूँ या कम करती हूँ, बस मैं बोलती इतना ज़्यादा हूँ। तो अब होगी है शाम, मेरे फूल वाले भैया ने फूल दे दिया है मुझे, तो मैं थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेती हूँ शाम का। तो ये फूल आ गए हैं और ये रही मेरी मंदिर, जिसकी सफाई मैंने कल ही की है, क्योंकि आने वाली है रामनवमी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी सफाई पहले से ही करके रखूं। तो मैंने सभी भगवान जी के कपड़े बदल दिए हैं और अच्छे से नहला धुला के इनको साफ सुथरा कर लिया है। वैसे मैं ये सारे काम हफ्ते में एक बार करती हूँ, कभी कभी दो दो हफ्ते हो जाते हैं। तो ये सारे कवर वगैरह मैंने अच्छे से चेंज कर लिया है, नया लगा दिया है। और मुझे करनी है कुछ शॉपिंग रामनवमी की, कुछ कपड़े खरीदने हैं भगवान के, कुछ ज्वेलरीज खरीदनी है इनकी, तो सारी शॉपिंग में भी दिखाऊंगी। आज ही मैं जाने वाली हूँ, तो हो सकता है ये कल दिखाऊं मैं आपको। तो अभी पूजा पाठ कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो शाम का टाइम है, तो अब मेरा कॉफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ कॉफ़ी। कॉफ़ी तो मैंने काफ़ी टाइम आपके साथ शेयर करी है। इसके बिना तो मेरा काम ही नहीं चलता, तो कॉफ़ी बना लेती हूँ साथ में बच्चों के लिए, क्योंकि ईशु मेरा अभी सो रहा है, तो अभी सो के नहीं उठा हुआ है। तो मैं सोची कि उसके उठने के पहले, क्योंकि वो उठता है ना, तो उसे तुरंत कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है, तो उसकी तैयारी मैं पहले से करके रखती हूँ ताकि उठे और उसे फटाफट खिलाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा ही वो रोने लगता है, तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो कॉफ़ी मेरी हो गई है, इसे मैं थोड़ा ठंडा कर लूँगी, और सेवैयाँ भी ऑलमोस्ट होने वाली हैं,
तो ऐसे ही मैंने ये पतली वाली सेवैया है तो इसे मैंने रोस्ट कर लिया है सूखा सूखा। अब मैं डालूंगी इसमें पानी थोड़ा सा। इसमें मैंने घी का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि मैं बहुत ही गाढ़ा दूध इस्तेमाल करने वाली हूँ उसमें। तो बस बेटी तो उठ के खेल के आ भी गई, बेटा अभी सो रहा है तो उसे उठते से ही ना मीठा कुछ खाने को चाहिए, तो या हलवा बनाती हूँ या तो सेवैया बनाती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि तब तक सेवैया ठंडी भी हो जाएंगी। शक्कर डाल देती हूँ, उबाल आने देती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ और फटाफट से बन के रेडी हो जाती है। शक्कर ही शुगर होता है मिस्टी। तो उसमें उबाल आने देते हैं, तब तक मैं अपनी कॉफी एंजॉय करती हूँ। तो हस्बैंड की डिमांड है आज की, मुझे चिकन खाना है, फिर तुम फास्ट वगैरह करोगी तो मुझे ये तो खाने को मिलेगा नहीं, तुम घर में भी नहीं लाने दोगी। तो मैंने यही बोला कि खाने का टाइम आज ही है, आज के बाद फिर मैं नहीं बनाने वाली। अभी तक जब तक हनुमान जयंती है तब तक तो मेरे घर में नॉनवेज नहीं बनने वाला है। तो मैंने इनको यही बोला कि हाँ ठीक है ले आओ बना के खिला देती हूँ। तो बाप और बेटी दोनों को नॉनवेज खाना है, उनकी डिमांड है आज। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इनकी डिमांड है तो मैं कर ही देती हूँ, खिला देती हूँ, नहीं तो ये मुझे दिन भर सुनाने वाले हैं। तो आज मैं इनके लिए चिकन बनाने वाली हूँ, तो मैं आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे लिया है मैंने चिकन, चिकन को अच्छे से धो लिया है मैंने, है ना, 3 से 4 पानी में अच्छे से धो लिया। और यहाँ पे प्याज वगैरह कट साफ़ कर ली है मैंने, इसका छिलका वगैरह साफ़ कर लिया है। और साथ ही ये जो जड़ होती है ना प्याज की, ये मैंने सभी प्याज की हटा दी है इस तरह से। ये आप हमेशा हटा लें, नहीं तो आपका चिकन, आप जो भी कुछ भी सब्जी बनाना, थोड़ी सी कड़वी सी बनेगी। और यहाँ पे खड़ी मिर्चें ले ली है मैंने, पास से दिखाती हूँ, ये ले लिया है। और यहाँ पे मेरे पास लहसुन का पत्ता था, मेरे पास लहसुन नहीं है तो मैंने सोचा क्या यूज़ करूँ, तो मेरे पास लहसुन का पत्ता था और थोड़ी सी लहसुन थी और अदरक वगैरह सब छील लिया है। तो इस तरह से ऐसा तैयार हो गया है। यहाँ पे काफ़ी सारा खड़ा मसाला लिया है, तो जब मैं ये डालूँगी तो आपको दिखा। तो चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं, तो उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा लेमन और साथ में डालने वाली हूँ इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया। ये सिंपल ही बना रही हूँ मैं, खड़े मसाले का चिकन है तो इसे मैं 10 से 15 20 मिनट के लिए रख देती हूँ, तो ये हो जाएगा। इसे अच्छे से मिला करके रख देती हूँ। मैं तो चिकन की बहुत सारी रेसिपी बनाती हूँ, तो ये खड़े मसाले का चिकन है, ये बहुत ही फटाफट से बन के तैयार हो जाता है। तो इसे रख देती हूँ साइड में ढक करके। और यहाँ पे कुकर ले लिया है मैंने, अब इसमें डालूंगी मैं मस्टर्ड ऑयल। मैं नॉनवेज या कोई अच्छी सी ग्रेवी वाली सब्जी, जैसे पनीर वगैरह हो गया, तो अगर वाइट ग्रेवी की नहीं है मेरी, नॉर्मल रेड ग्रेवी या येलो ग्रेवी की है, तो मैं मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती हूँ। इससे खाना बड़ा अच्छा टेस्टी बनता है और हम लोग शुरू से ही खाए हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है मम्मी लोगों ने, तो आदत में है, हमें अच्छा लगता है। तो प्याज को भी बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ। इसमें बिल्कुल भी आपको मिक्सर ग्राइंडर का बिल्कुल यूज़ नहीं होने वाला, ये खड़े मसाले का चिकन बड़ा ही टेस्टी बनता है और फटाफट से बन जाता है। खासकर जो स्टूडेंट वगैरह है ना, जिनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, वो भी इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं और ये खाने होता है। तो इसे बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ मैं सभी प्याज को। तो तेल हो गया है तो गरम, तो यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जीरा लिया है मैंने, यहाँ पे जावित्री ली है, ये स्टोन पत्थर फूल बोलते हैं इसको, और यहाँ पे ली है मैंने काली मिर्च और बड़ी वाली इलायची, छोटी वाली 3-4 इलायची ली है मैंने, और यहाँ पे लिया है क्या बोलते हैं इसको और मिर्च ली है, और ये लिया है मैंने यहाँ पे तेज पत्ता।
हाँ बेटा, तो मुझे याद आ गया, इसको दालचीनी बोलते हैं। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, मुझे भूलने की बीमारी सी हो जाती है कभी कभी। तो ये सारे मसाले मैं इसमें डाल दूंगी। तो मसाले चटकने लगे हैं, अब मैं इसमें डालूंगी ये सारी की सारी प्याज। हाँ हो गया मसाला। और यहाँ पे लिया है थोड़ी सी मेरे पास लहसुन है, बाकी मैं लहसुन का पत्ता यूज़ करने वाली हूँ। और ये अदरक ली है, तो इसको मैं हल्का हल्का सा फूट लेती हूँ, ज़्यादा बारीक नहीं रखूँगी, करूँगी दरदरा सा ही रखूँगी। तो ये बारीक नहीं है, दरदरा सा ही कूटा है मैंने। तो प्याज को थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाने देती हूँ मैं, इसे बाद में डालूँगी। और साथ में कट कर लेती हूँ ये लहसुन के पत्ते, इसका अलग ही टेस्ट आता है, ये बड़ा ही टेस्टी लगता है। आप कभी डाल के देखना, अभी तो मिल जाता है ये मार्च के लास्ट तक, ये लहसुन के पत्ते आराम से मिल जाते हैं मार्केट में, इसके बाद नहीं मिलेंगे आपको। मेरी लहसुन ख़त्म हुई, कल मैं जाने वाली हूँ मार्केट, तो सारी सब्जियाँ फल वगैरह सब कुछ साथ में लेके आऊँगी। तो ये कट कर लिया है, और साथ में ये थोड़ी सी ज़्यादा हरी वाली नहीं है, ये इस तरह की मिर्ची बड़ी वाली मैंने यूज़ करी है, ज़्यादा तीखी नहीं होती है पर अच्छा सा टेस्ट देती है। तो ये भी डालूंगी मैं, दो दो टुकड़े कर दी हूँ, प्याज को अच्छा ब्राउन हो जाने देते हैं। प्याज का जो कच्चापन है वो हट गया है, अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन, जो मैंने दरदरा कूट लिया था ये डाल दिया है मैंने इसमें। अब मैं डालूंगी ये प्याज के पत्ते, सॉरी प्याज के नहीं, लहसुन के पत्ते। और साथ में डालूंगी ये सारी मिर्च। तो ये भी हो गया है, अब मैं डालती हूँ इसमें थोड़ा सा कुछ कुछ मसाला। तो यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ ये लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, क्योंकि मैंने चिकन की मैरिनेशन में भी डाला है, तो इतना ही यूज़ करूँगी मैं। और इसमें ये डालूंगी जो मैंने चिकन रख दिया था ना, इसमें नींबू, हल्दी और धनिया, लाल मिर्च डाली थी कश्मीरी लाल मिर्च। तो इसको हो गए हैं 15 से 20 मिनट, अब मैं ये सारा इसमें डाल देती हूँ। यहाँ पे मैंने फ्लेम मीडियम ही रखा था, पहले मैंने प्याज को 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे रखा ताकि उसका पानी सब खत्म हो जाए और जल्दी से ब्राउन हो जाए। अब मैंने मीडियम फ्लेम पे कर दिया इसको, उसके बाद मैंने 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाया था। अब मैं सारा का सारा इसमें डाल दूंगी और इसकी अच्छे से भुनाई कर लूंगी। चिकन को ढक के छोड़ देते हैं इसको मीडियम फ्लेम पे। और यहाँ पे लिया है धनिया, धनिया को अच्छे से धो लिया है। इसका ये जो मोटा वाला डंठल है ना, इसे मैं बारीक कट कर लूंगी और इसे मैं लास्ट में यूज़ करूंगी। तो इसे बारीक कट करके मैं इसमें चिकन पे डाल दूंगी। इसका बड़ा अच्छा सा धनिया का अरोमा सा आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है, आप ट्राई करना। या कोई मसाला बना रहे हो ना आप, उसमें ग्रेवी में इसको यूज़ कर सकते हो। चिकन बढ़िया से भून रहा है, इसे हो जाने देती हूँ मैं, अभी तो ये अपना पानी रिलीज कर रहा है। तो चिकन चेक कर लेती हूँ कितना कुक हुआ। यहाँ पे चिकन ऑलमोस्ट 50% तो पक ही चुका है, इसने अच्छे से अपना पानी छोड़ दिया है। अब मैं डालूंगी इसमें टमाटर,
इसे भी अच्छा गल जाने तक पका लेते हैं और साथ में डाल देती हूँ इसमें नमक ताकि टमाटर वगैरह अच्छे से गल जाए। अब मैं इसे ढक दूंगी तो चिकन यहाँ चेक कर लेती हूँ। तो चिकन अच्छे से ऑलमोस्ट गल गया है। हाँ बेटा लो पानी। अब इसमें डाल देती हूँ मैं मसाला। तो ये रहा गरम मसाला थोड़ा सा और चिकन मसाला, सबको अच्छे से मिला दूंगी मैं। और इसमें लगवाऊंगी एक सीटी, थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि मैं, आप जितना ग्रेवी रखना चाह रहे हैं उसके हिसाब से बना लें। तो मैं बहुत ही थोड़ी सी ग्रेवी रखूंगी। तो बस कुकर को लगा देती हूँ मैं, मीडियम फ्लेम पर कर लेती हूँ मैं और साथ में कर लेती हूँ रोटी की तैयारी। तो ये मेरा सुबह का ही आटा रखा हुआ था बाहर, मैंने आज सुबह छोले और चावल और रोटी बनाई, पूड़ी बनाई थी तो उसी से आटा बचा था। ये चार एक रोटी बना रही हूँ, इनका तो हो जाएगा क्योंकि मैं तो नहीं खाने वाली हूँ। तो यहाँ फटाफट से रोटी बना लेती हूँ मैं। तो रोटी बन चुकी है, चिकन भी हो ही चुका है, दो सीटी आ गई इसमें। कुकर को कर देती हूँ ऑफ, कुकर हो जाएगा ठंडा तो फिर मैं सर्व करके आपको दिखाऊँ। तो खाना तो बन गया है। अब मैं साथ ही गैस भी क्लीन कर लेती हूँ, किचन भी साफ सुथरा कर लेती हूँ। फिर मैं बेटी को पढ़ाना भी है, उसका परसों एग्ज़ाम है तो अब मैं उसमें लग जाऊँगी और जिसको जो खाना होगा अपने हिसाब से खाते रहेंगे। तो इधर क्लीनिंग कर लेती हूँ मैं फटाफट से। किचन हो गई है साफ सुथरी पर नीचे काफी कचरा हो गया, तो एक बार झाड़ू लगा देती हूँ। पुराने बर्तन भी मैंने जमा दिए, जो बर्तन है उसे मैं अच्छे से धो लेती हूँ। तो चिकन चेक कर लेते हैं, कुकर हो गया है ठंडा। तो ये देखिए चिकन बहुत ही टेस्टी दिख रहा है, वैसे तो दिखने में तो अच्छा दिख रहा है। अब इसमें डाल देती हूँ धनिया पत्ता और इसे मिला देती हूँ मैं। तो ये बढ़िया सा बन गया है, अब मैं इसको लगा देती हूँ थाली। पापड़, रोटी, तो ये चिकन थाली हो गई है रेडी, अब ये सब खाएंगे। तो मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग कैसा लगा आपको, मेरा ये रूटीन कैसा लगा, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ और कुछ अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।